भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है।